प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 28 जून 2024 को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि कालाष्टमी का पर्व भगवान काल भैरव को समर्पित है। मान्यता के अनुसार काल भैरव की विधिवत उपासना एवं पूजन करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन क्या उपाय करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा जानिए काला अष्टमी का शुभ मुहूर्त और तिथि। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वह मासिक कालाष्टमी कहलाती है। ये जो मासिक कालाष्टमी है यह पूर्ण रूप से भैरव को समर्पित है, अर्थात इस कालाष्टमी के दिन काल भैरव की या भैरव की हमको पूजन करना चाहिए। भगवान रुद्र का ही जो उग्र स्वरूप है वह भैरव कहलाता है। तो भैरव की पूजन करने से सभी प्रकार से भय की मुक्ति होती है, सभी प्रकार के दोष बाधा संकट समाप्त होते हैं और हमारा जीवन सुखमय होता है। 28 जून के दिन यह जो कालाष्टमी होने जा रही है, इस मासिक कालाष्टमी के दिन हमको प्रातः काल स्नान करके काल भैरव का या भैरव का पूजन करना चाहिए। उनके मंदिर में जाकर के एक नारियल हमको भेंट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो ओम बम भैरवाय नमः, ओम रीम बम भैरवाय नमः या ओम बम बटुका ओम बम बटुकाय आपोद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय ओम भट स्वाहा, इन दो तीन जो मंत्र हैं इनके अतिरिक्त भी भैरव के कई मंत्र हैं, इन मंत्र का हमको जप करना चाहिए भैरव के मंदिर में बैठ करके। और भैरव के नाम से शाम को घर के बाहर हमको एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए और भैरव को जो है मीठी रोटी का भोग लगाना चाहिए। काल भैरव के मंदिर में जाकर के कपूर काजल और उड़द की दाल या भेंट करना चाहिए, दान करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी संकट हैं, जितने भी दोष हैं, ये सब दोष संकट समाप्त होते हैं, मन के अंदर का संपूर्ण भय समाप्त होता है और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भैरव का प्रभाव है और हम देखते हैं कि कहीं भी देवी का मंदिर है और देवी के मंदिर में भैरव का स्थान होता है अनिवार्य रूप से, और साथ ही साथ जब भी देवी का पूजन होता है तो भैरव का भी पूजन होता है। तो यह भैरव जो है हमारे पूजन में और धार्मिक जो महत्व है, धार्मिक जो कार्य है उसमें भैरव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए काल भैरव का या भैरव का हमको पूजन करना चाहिए।